मैंने आपसे ना सिंपली ही कहा था कि जो आपका सूटेबल है ना वो आपने, ना इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको सेव करना पड़ रहा है या रिफ्रेश करना पड़ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर लाइफ स्टाइल के बाद भी आपने फाइल सेव करनी है, काम करने के बाद सेव करनी है। वो तो अपनी आते हैं उसमें एक्सटेंशन होती है जो हमें अपन इंस्टॉल करना है उसमें भी ऐसे सर्च ही करते हैं। ये एक्सटेंशन वाला बॉक्स है, इस सेक्शन में हम वजह मैंने आपसे क्लियर की थी, मुझे वो अच्छा लगता है, मैंने वो यूज कर लिया। आपके लिए जो इजी रहता है आपने यूज करना है। मैं आपसे ये नहीं कहा कि आप कौन सा यूज आपने सेलेक्ट करके जैसे मेरे इंस्टॉल्ड में ये लाइफ सर्वे पहले से इंस्टॉल्ड मुझे जो जो इससे चाहिए ये इंटेलीकोड वगैरह के ये प्रीटियर कोड फॉर्मेट करता है, आपको जो चाहिए आप वो इंस्टॉल कर लें। और फिर भी सेम वही चीज़ें हैं जो वहाँ पर इसमें एक्सटेंशन शो नहीं हो रहे थे, इसमें HTML के टैग्स शो हो रहे थे। इसमें इसकी एक्सटेंशन कहीं नहीं है, आपने अपनी ज़रूरत के तहत करने का आपको कौन सी लगती है। हमें जो ज़रूरत है ना वो इंटेल कोड की ज़रूरत है, लाइव सर्वर की ज़रूरत है और प्रीटियर की ज़रूरत है, ये तीन कर लेनी है आपको काम चल जाए। बस इस पर क्लिक करके आपने इंस्टॉल का बटन होता है, जैसे कि अगर इसमें PHP देख लेते हैं, आप कोई भी यूज करेंगे ना सॉफ्टवेयर उसकी अपनी बनी हुई है, जैसे कि ये इंस्टॉल का बटन है, इस पर इंस्टॉल कर देना है। सबकी लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड हैं, पैकेजेस या एक्सटेंशंस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उसमें पैकेजेस जैसे क्रोम में एक्सटेंशन होते हैं, ऐसे ही सबलाइन में वो पैकेजेस होते हैं, VS कोड में वो एक्सटेंशन का नाम ले लेते हैं। होती ये चीज़ें एक ही है कि ये हेल्प करती हैं ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने में, बाकी टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है।
यहाँ पे मैं H1 करता हूँ, इसमें भी सेम है क्योंकि काम सबका ही सेम है, डिफरेंट कंपनी जी जी यहाँ पर मैंने ये कहा था कि पेज का नियम आता है, जो पेज नेम होता है ना वो यहाँ पे शो होता है, उसमें कई बार इंक्लूड होता है वेबसाइट का नाम, कई बार वेबसाइट का नाम इंक्लूड नहीं होता है। आपने अगर URL लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं वो एट द एंड होते हैं जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, नहीं उसका जो वेबसाइट का नेम है वो मेटा में आता है, टाइटल पेज में। होता क्या है मैं आपको ना दिखाता हूँ कि टाइटल पेज, जैसे ये फाइल नेम डैश वेब पेज डैश विजुअल स्टूडियो कोड, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, डैश के साथ फाइल का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह पेज का नाम आता है, डैश लगा के आगे वेबसाइट का नाम हमें शो हो जाता है, ये टाइटल, इसमें वेबसाइट का नाम आ जाता है। जो वेबसाइट का URL होता है ना वो लिंक लगते हैं, एक तो इंडेक्स फाइल है ना, जैसे ही हमने अपनी डोमेन को इंडेक्स फाइल बाय डिफॉल्ट रन हो जाती है जो कि हमारा मेन होम पेज, अगर हमने किसी और का पेज का लिंक लगाना है तो वो ए टैग में लगता है कि हमने आगे टैग्स करने, किसी भी तरह का लिंक लगाना है चाहे वो अपनी वेबसाइट का पेज का लिंक लगाना है या फिर किसी और की वेबसाइट के पेज लिंक लगाना है, वो सारा ए टैग से लगता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये रेफरेंसेस जो है ना ये अभी ना करें, आप ए टैग अभी ना करें, हम तरतीब के साथ चलेंगे। लैंग्वेजेस जी 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 HTML CSS JavaScript या PHP, हम इसको लैंग्वेजेस काउंट करते हैं। बेसिकली JavaScript एक लैंग्वेज है आगे लाइब्रेरी का, CSS एक कास्केडिंग लैंग्वेज है, एक शीट होती है। लेकिन आप अगर इसको डेप्थ में चले जाएंगे ना कि इसकी टाइप क्या है तो फायदा कोई नहीं, आप इसको सिंपली लैंग्वेज समझें कि अगर ये लैंग्वेज मैंने सीखनी है तो इसकी आगे डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। तो मकसद क्या है, क्योंकि CSS का डिवेल्पर है ना, उसका हमने सिंपल मकसद लेना हो ना तो वो क्या करता है, CSS की लैंग्वेज उसे आती है, यानी वो हर तरह से CSS को डिफाइन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, इन सिंपल वर्ड्स हम उसे लैंग्वेज काउंट करते हैं। वरना इसका CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट है, क्या करती है, सिर्फ स्टाइल शीट है, हाइपरटेक्स उसमें लैंग्वेज आता है, इसमें नहीं आता है, लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में लेके चलते हैं ना, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है कि इसका बैकग्राउंड क्या है या किस टाइप की है, हमारा मकसद है कि ये परफॉर्म क्या करती है, हमारा इससे ताल्लुक है। क्योंकि अगर देखें ना हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ इसी वजह से फेल है कि वो उसकी ना डिस्क्रिप्शन में, उसकी थ्योरी में लग जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस में प्रैक्टिकल में नहीं लगते। हमारे अभी भी क्या पढ़ाया जाता है कि सीजन वो सी शार्प किसने बनाई, C++ किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, वर्जन कौन से थे पहले, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सी प्लस प्लस क्या कर रही है,
की जरूरत है। जी HTML CSS Bootstrap JavaScript के बाद हमारे कोर्स में नहीं है, वैसे PHP भी होती है, MySQL होती है और लार्वेल जी है, हमने उसकी जगह पे Shopify ऐड किया PHP और MySQL की जगह। अगर आप चाहें तो हम वो कर लेते हैं। मैंने आपसे ना पहले ही दिन सिर्फ ये कहा था कि हमारे कोर्स का मकसद है कि सिंगल पर्सन फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर सके। अगर आप अगर कोडिंग में जाना चाह रहे हैं ना, तो फिर बीच में से जो Shopify है ना वो ड्रॉप हो जाते, Shopify नहीं है आपके, मैंने तो कहा था ना Shopify है, MySQL नहीं, सभी अलग अलग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट की आगे लाइब्रेरीज होती हैं रिएक्ट नेटिव नोड.js जी जी जब हम वेबसाइट क्रिएशन की तरफ जाते हैं ना, हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, हम वो कहते हैं ई-कॉमर्स की है, कहते हैं ठीक है, ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट कौन सी होगी, नीश कौन सी होगी, उसको अगर कोई पहले से वेबसाइट अगर कोई पता है जिस तरह की चाहिए वो बताते हैं उसको, फिर हम गाइड करते हैं कि इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म कौन सा चाहिए, आप डायनेमिक में जाना चाह रहे हैं, वर्डप्रेस में जाना चाह रहे हैं, शॉपिफाई में जाना चाह रहे हैं, वो फिर हमें बताता है कि वो किस के हमने उन्हें डिफरेंसेस बताने हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद अगर वो एग्री कर लेता है, किसी एक को चूज कर लेता है, बाद में हम उससे डेटा लेते हैं कि फ्रंट सबसे पहले स्टार्ट होता है होम पेज का डिजाइन करते हैं पेपर के ऊपर के मेन्यू में क्या क्या उसे चाहिए, कितने पेजेस की वेबसाइट होगी, कितनी प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, और हेडर अगर ऐड करना है हेडर में स्लाइडर लगेगा हमारे पाकिस्तान में यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं यूज होता है जी, उसे नहीं करना होता। मैंने आज तक जितनी वेबसाइट बनाई है मैंने कभी भी यूआई यूएक्स का डिजाइन यूज नहीं किया लोकल पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ, कभी पैसे नहीं खर्चता इन डिजाइन पे, हम पेपर भी बनाते हैं, यूजर को बता देते हैं कि यहाँ पे इस तरह का चाहिए, एक डिजाइन रफ क्रिएट करते हैं, बाद में हम उसको डेवलप करके देते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस हों तो हमें बता देता है, हम उसको चेंज कर देते हैं। जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है उसमें एक होम पेज होता है, एक प्रोडक्ट पेज होता है, एक शॉप पेज होता है, उसमें एक कार्ट पेज आ जाता है, चेकआउट पेज आ जाता है, अगर हमने अबाउट पेज लगाना है वो आ जाता है, ये मिनिमम होते हैं जो कि लाजमी होते हैं ई-कॉमर्स में। और बाकी अगर जाएँ तो उसमें एक होम पेज होता है, उसके बाद अगर उस पर चले जाएं पोर्टफोलियो का जैसे कि प्रॉपर्टी का, उसमें होता है एक मेन पेज होता है, अगर अलहदा से गैलरी ऐड करनी है तो गैलरी पेज हो जाता है, उसके बाद उसका अबाउट पेज हो जाता है, कॉन्टेक्ट पेज हो जाता है, और अगर वो अपने प्रोजेक्ट के डिफरेंट पेजेस बनाना चाह रहे हैं तो डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हैं डायनामिक ई-कॉमर्स और डायनामिक वर्डप्रेस और शॉपिफाई प्लेटफॉर्म्स हैं, ई-कॉमर्स टाइप है ई-कॉमर्स पोर्टफोलियो ब्लॉग एंड प्रोफाइल ये कस्टमर बताता है, कस्टमर ने बताना है उसके क्या क्या पेजेस हैं, जितने वो के हमने तो बना के देना, हमने अपनी कॉस्ट लेनी है, जितने वो ज्यादा कहेगा उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी।
हमने कल जो देखे थे वो हेडिंग टैग्स देखे थे, जिसमें कि H1 से लेकर H6 थे। उसके बाद उसमें P टैग्स थे, पैराग्राफ P टैग आ गया। उसके बाद BR टैग, HR टैग आ गया। क्या करते हैं BR टैग लाइन ब्रेक करने करते हैं टेबल जो है वो टेबल का टैग टेबल लिख के ये हमारा लफ्ज़ के साथ टेबल के टैग के अंदर हमारे पास टेबल है। ओके तो हमारे पास एक रो आ जाती है, उसके बाद टेबल डाटा आ जाते हैं जिसमें कि PR टेबल रो आ जाएगी, उसके बाद PD टेबल डाटा होता है जी। इसमें हम दो तरह से लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास TR में टेबल हेडिंग्स भी हैं तो हम उसकी जगह पे TH लगा देते हैं। ये क्या करता है, टेबल हेडिंग का काम करता है, बस जो भी टेक्स्ट इसमें लिखेंगे उसको बोल्ड करते हैं। और दूसरे PR लगाएंगे सेम, उसमें PD लगा देंगे। इसमें हो क्या रहा है, एक टेबल है जिसके अंदर दो रोज क्रिएट की गई हैं और पहली रो के अंदर टेबल हेडिंग ऐड कर दी गई है और दूसरी रो के अंदर टेबल डाटा को ऐड कर दिया गया है। टेबल डाटा क्या है, जो भी हम डाटा ऐड करना चाह रहे हैं, वो चाहे हम वैसे ही टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं या फिर अपना कोई और टैग ऐड कर रहे हैं, इमेज ऐड कर रहे हैं, वो सारा हम TD के अंदर ऐड करें तो वो एक सेल के अंदर ऐड हो जाएगा। अब हम इसमें हमारे तीन कॉलम्स क्रिएट हो गए टेबल हेडिंग के साथ। इसमें हमने PD भी उतने ही ऐड करने हैं। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखें ये पहला सेम है हेडिंग, बस बोल्ड कर दिया, ठीक है, टेबल हेडिंग बन गया, बाय डिफॉल्ट ये बोल्ड कर देगा उसको। उसके बाद सेम तीन रोज हमारे पास आ गई, एक TR, दो TR, तीन TR। ये तीन TR जो है टेबल रोज हमारे पास तीन रोज क्रिएट हो, और उसके अंदर चार हमने टेबल हेडिंग्स क्रिएट की जिससे कि चार कॉलम्स जनरेट हो गए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन और चार, ये कॉलम्स हमारे पास जनरेट हो गए। इस तरह से टेबल हेडिंग, टेबल रोज और टेबल डाटा जनरेट किया जाता है। ये लिमिटेड नहीं होता कि हम सिर्फ इसमें टेक्स्ट ऐड करें, हम अगर इसमें कोई और टैग भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने इमेजेस का टेबल बनाना है जिसमें कि इमेजेस होंगी, तो हमने इस TD के दरमियान में को एंटर करना है, इसके दरमियान में हमने कोई भी टैग लगा देना है, तो वो क्या आएगा, उस सेल के अंदर ऐड हो जाएगा। सेल कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेल जो होगा इसके में हमारा जो भी टैग हम ऐड करेंगे वो चाहे पी टैग हो, हेडिंग टैग हो, इमेज टैग हो, वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमारा टेबल बनाने का तरीका है, और इसमें ना ये जो जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा रोज जनरेट होती हैं,
एक से ज्यादा टेबल डाटा जनरेट करना होता है, तो इसका ना इजी हल होता है, कोई भी टैग एक से ज्यादा बार आपने जनरेट करना है ना, तो उस टेबल टैग का नाम लिखना है, साथ में स्टेरिक लगाना है और मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी टैग हम जनरेट करना चाह रहे हैं। लेफ्ट साइड पे देखिए सजेशन में भी हमारे पास शो हो गया, और हमने इसके साथ टैब दबा देना है, उतने टैग्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। ये सिंपल तरीका है जो सब में चलता है। इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ लें। टेबल डाटा की समझ आ गई, टेबल्स की, ये इस तरह टेबल जनरेट हो जाता है। सीएसएस के जरिए हम इसको साइज को बढ़ा सकते हैं कि ये पूरी स्क्रीन पे शो हो जाए, इसके दरमियान में फासला आ जाए, बॉर्डर लग जाए, वो तो सारी चीजें सीएसएस में करेंगे। अभी ये जो सिंपल हमने जनरेट करना है उसका यही तरीका है। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, ये सीएसएस ही करेंगे। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। लिस्ट बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए हमारे पास ना तीन ऑप्शन होते हैं, एक टेबल लगा देंगे, दूसरे हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक है ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट, जिसे कहते हैं यूएल और ओएल। यूएल क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। इसमें जो हमारे पास साइडों पे बुलेट लगते हैं वो गिनती वाले नहीं होते, ऐसे नहीं कि जिनमें ऑर्डर हो, जैसे कि डॉट लगा देंगे या फिर चेक मार्क लगा देंगे, वो जो टिक का निशान लगता है वो तो सारे अनऑर्डर होते हैं, क्योंकि सारा ही रिपीट हो रहा है बार बार। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, गिनती लग जाएगी, एबीसी लग जाएगी, रोमन गिनती लग जाएगी, वो ऑर्डर लिस्ट में आ जाते हैं। इसमें एल आई लिस्ट आइटम्स कहलाता है। और दोनों में एल आई सेम ही लगती है, क्योंकि लिस्ट आइटम ही है, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो। यहाँ पे आप देखें कि ये एक ही डॉट रिपीट हो रहा है, ये चाहे मैं इसको यहाँ पे ले आऊं या इसको यहाँ पे ले आऊं, डॉट का ऑर्डर कोई नहीं है। यहाँ पे कोई भी आइकन हो सकता है, जो जब हम सीएसएस करते हैं ना तो इसमें हम लिस्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो वो जो स्टाइल में हम सिलेक्ट करेंगे ना उसमें जो भी सिलेक्ट करेंगे वो रिपीट होता रहेगा, जबकि हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट जनरेट की है, तो इस ऑर्डर लिस्ट में हम अगर एक पहले को उठा के नीचे भी ले जाएंगे ना तो ये ऑर्डर में ही रहेगा, 1 2 3 4 ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 3 1 4 5 आ जाए, तो ये इसने हमेशा जो लिस्ट है ना उसको ऑर्डर में रखना है। लिस्ट आइटम चेंज हो सकती है लेकिन लिस्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना ये चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास ऑर्डर में ही रहेगा, ये एबीसी भी हो सकती है, रोमन गिनती भी हो सकती है, हमारे पास लिस्ट कंप्लीट होगी। अगर इसमें आपको कोई समझ नहीं आई तो आप वो पूछ सकते हैं। ये टैग्स लगने में इजी हैं लेकिन जब इसको प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये काफ़ी घुमाते हैं, खासकर जब हम इसको जोड़ेंगे ना सीएसएस के साथ, तो इनमें ना काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे पास जो टैग्स होते हैं ना वो दो तरह के टैग्स होते हैं, एक ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं और एक इनलाइन टैग्स होते हैं। अगर आप इसमें देखें ना,
ये पी टैग हमने लगाया था, ये जी पैराग्राफ टैग। अगर मैं इसके साथ एक और पी टैग लगाऊंगा ना, वो निचली लाइन में आ जाएगा। अगर एच वन हमने हेडिंग टैग्स देखे थे, उसमें सिर्फ एक ही लफ्ज था, लेकिन हर हेडिंग दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रही थी, हालांकि वो साथ भी स्टार्ट हो सकती थी। अब इसमें अगर यहाँ पे ये बी आर ना होता, तो इसने भी ऊपर से ही स्टार्ट होना था, साथ ही जुड़े रहना था, लेकिन ये जो बी आर एच आर है ना, ये भी ब्लॉक लेवल में आते हैं, ये 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं निचली लाइन पे। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो दूसरी जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो कंटेंट बेस्ड स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जितना कंटेंट उतनी स्पेस लेंगे, बाद में उसमें कोई भी आ सकता है, जब आप कोई भी जगह वो ऑक्यूपाई कर। जो हमारे पी टैग हैं, हेडिंग टैग हैं, ये सारे ब्लॉक लेवल टैग हैं। ये टेबल खुद ब्लॉक लेवल है, लेकिन इसके जो टेबल हेडिंग है ना, इसको टैग है, वो इनलाइन में आ जाते हैं। क्योंकि आप टेबल डाटा को देखेंगे ना, एक टेबल डाटा मैंने यहाँ लगाया, उसके नीचे लगाया, लेकिन यहाँ पे वो उसके बिल्कुल साथ शो हो रहा है, तो ये जो है इनलाइन टैग है। ब्लॉक लेवल के अंदर इनलाइन टैग का टैग के अंदर ब्लॉक लेवल, लिस्ट तो सारी जी वो सारी ब्लॉक लेवल है, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रही है। और अगर हम इसे इनलाइन करना चाहें तो सीएसएस के जरिए इनलाइन कर सकते हैं, उसके बिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमेशा ब्लॉक लेवल में ही देते हैं। तो फायदा ये होता है कि वो 100% विड्थ ले लेता है, और वो एक सेक्शन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे अगर सेक्शन हमारा खत्म हो रहा है ना, तो वो दूसरा सेक्शन नीचे से जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल साइड से, वो ऊपर वाले किसी भी सेक्शन का कोई असर नीचे वाले पे नहीं आएगा। इसका ये फायदा रह जाता है ब्लॉक टैग। और ब्लॉक लेवल जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें इनलाइन आ सकते हैं, 100% विड्थ होगी तो छोटी विड्थ वाले उसमें आ सकते हैं। जैसे कि हेडिंग टैग तो नहीं कह रहा, पी टैग के अंदर अगर हम स्पैन टैग लगाना चाहें ना, एक होता है स्पैन का टैग, तो मकसद HTML में कुछ नहीं होता, ये CSS को इंप्लीमेंट करना है। अगर मैं आप यहाँ पे देखेंगे ना, वो वहीं पे है, हमारा जो लफ्ज है पेटे, ये वाला, ये लाइन के अंदर ही है, पेटे नहीं गया, क्योंकि स्पैन इन लाइन एलिमेंट है। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि पेटे बेसिकली है ब्लॉक लेवल, अगर हमें उसमें से कोई एक लफ्ज का कलर चेंज करना है ना, या अंडरलाइन करना होता है, तो हम उसको इनक्लोज्ड कर देते हैं स्पैन टैग के अंदर। और फिर स्पैन टैग के ऊपर जब CSS परफॉर्म करते हैं, तो उसमें टेक्स्ट के ऊपर CSS लग जाती है, और उसकी वजह से हमारा जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज नहीं होती, वो पी टैग जितनी जगह दे रहा है उसको, तो उतनी जगह ही ऑक्यूपाई कर। बिल्कुल, हम करके ट्राई करते हैं। दरमियान वाला एक जो लफ्ज है ना, उसने 100% लिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को भी छोड़ दिया, लेकिन इसने अपनी 100% ले लिया, इसीलिए हम पी टैग को यूज नहीं करते, हम स्पैन टैग को यूज करते हैं, क्योंकि स्पैन इनलाइन एलिमेंट है और वो ब्लॉक लेवल के अंदर एडजस्ट कर सकता है।
उसने तो उतनी ही स्पेस लेनी है जितनी उसको जरूरत है। तो आज आपने चार चीजें देखी हैं, एक टेबल, एक अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और एलिमेंट टाइप, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट। ये चीजें आपको बचना कह देते हैं। जी जी सर, समझ आ गया। लेकिन जब बाद में असाइनमेंट मिलती है, असाइनमेंट होती है और बचा क्या होती है, सर हमें समझ नहीं आती। नेम है, हेडिंग टैग्स हैं, पी टैग है, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट बहुत सारे हैं, इनलाइन एलिमेंट कुछ नहीं है। हमारा बेसिक काम है कि हम जब भी कोई टैग लगाते हैं ना, हम उसमें डिस्प्ले का या सी एस एस में टैग लगाते हैं, इससे हम खुद डिफाइन कर देते हैं कि ये ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है। हम टैग पे नहीं रहते, जब सी एस एस स्टार्ट करते हैं ना, हम ये सबसे पहला जो फंक्शन लगाना होता है, प्रॉपर्टी लगाना, वो डिस्प्ले की होती है। डिस्प्ले बताता है कि ये ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है, या फ्लैक्स है, ग्रिड है, वो सारा सी एस एस बताती है। बिल्कुल, फ्लैक्स भी पढ़ेंगे, ग्रिड भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।